राहुल कसेरा जी जी, राधे राधे प्रभु। महाराज जी इनका थोड़ा हंसी वाला प्रश्न है। महाराज जी, खूब जोर का भजन कीर्तन करने वाली भार्या चाहता हूं, इसका चयन मैं कैसे करूं? हेलो, प्रभु से प्रार्थना। अच्छी बात है, अच्छी बात। और आपके जैसा दिव्य बालक। हाँ, अच्छी बात है। और आप वो अवस्था भी बता दीजिए कि मतलब देखो बच्चा, उतने वर्ष तक उसका पालन पोषण करके फिर उसे विरक्त मार्ग में वृंदावन। पहले दुल्हन तो मिले यार। देखो, प्रेमानंद जैसा तो प्रेमानंद भगवान अद्वितीय सबको बनाते हैं, कुछ ना कुछ फर्क रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो हमारे जैसा लड़का तो या तो हम ही आए आपके यहाँ, तो तुम तो अभी इतनी अवस्था क्यों? अब या तो हम मरे और फिर तुम्हारे अंश से पैदा हो, तब ये बात है। तो ये तो अब होगा नहीं, क्योंकि हमको तो जाना है श्री जी के पास, अब जन्म होना नहीं। तो अब हमारे जैसा मतलब एक भक्त समझो, भक्त पुत्र पैदा हो, लेकिन हमारे जैसा भक्त पुत्र जी, उससे पहले पत्नी तो आ जाए। आए भार्या सुंदर हो, तो बहुत गुरु ऊंची है। सक्खू भाई जैसी पत्नी हो, प्रेमानंद जैसा लड़का हो, तो फिर बाप कैसा होना चाहिए? बात ये तो देख, तुम्हारी मांग तो है जैसे, नहीं मतलब हीरे का हार हो, स्वर्ण की करधनी हो, तो रकम कितनी तुम्हारे पास? बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम्हारा साधन बल क्या है? अगर भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में नंद यशोदा ने प्राप्त किया तो उनका भजन देख लो। अगर मनोयोग के अनुसार पत्नी प्राप्त की करदम जी ने, तो 10,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए, तब उनसे मांगा तो देहूति रूप पत्नी, और भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो बढ़िया मांग है तुम्हारी। अब जैसे कह दे कि हमको अमुक चीज चाहिए, तो हमें लगता है उसके लिए हमारे पास रकम होनी चाहिए, ऐसे हमारे पास तपस्या होनी चाहिए। हमारे पिता ने कभी पादुका जीवन में नहीं पहनी और किसान थे, गुरु की पादुका झोली पे, गीता जी, रामायण, गंगाजल, ये साथ 10 बजे 11 बजे तक बैल की तरह मेहनत करते, हल जोतते नंगे पैर, और फिर स्नान करके गुरु की पादुका का चरणामृत पीते, गीता और रामायण का पाठ करते, और खड़े होकर आसपास देखते कोई संत महात्मा दिखाई दे जाए, तब फिर जो भोजन आया रूखा सूखा उसे पाते, और हर समय नाम जप करते हुए, और कभी बनियाइन कुर्ता नहीं पहना, एक नीचे अचला एक ऊपर अचला मार्किन का, भीषण सर्दी में कभी स्वेटर कभी बनियाइन कर, ऐसे महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि, एक रुपया कभी बेईमानी का नहीं आ सकता, एक भी कोई अधर्माचरण घर गृहस्थी में नहीं कर सकता, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं आ सकता, मतलब ऐसे पांडित्य, ऐसे भागवतिक भाव। और शाम के जब पूरा परिवार बैठता तब भागवत की चर्चा होती, सब भागवत सुनते, अपनी अपनी सैया में जाओ, 4 बजे फिर उठ के फिर शुरू भगवत कीर्तन, भगवान नाम, संकट ध्वनि, आरती, पूजा, महा। और माता जी हर समय, एक दुखंडा मकान था, दो खंड का, ऊपर वाले खंड में राधा कृष्ण की मूर्ति सामने रखे और जपे में बैठी रहती हर समय। तब प्रेमानंद जन्मा उनके घर में। पूर्व का ऐसा थोड़ी कर्म, बचपन से ही भागवतिक संस्कार, भगवत, तो हम ये कहते हैं भगवान आपकी अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत तपस्या होनी चाहिए। हजारों महात्माओं का सेवन पिताजी ने किया, हजारों महात्माओं का, 8-8, 10-10 महात्मा रोज आते रहते, सबका चरणोदक, सबको भोजन, सबको आने जाने की कोई दक्षिणा व्यवस्था, किसान आदमी मेहनत की कमाई, तो उसका प्रभाव पड़ा कि हम कई लोग भगवान के मार्ग में हैं, कई, और सब ईमानदारी से तपस्या भजन करने वाले, संसार का ऐसा नहीं, सब नियम संयम से अपने केवल अपने अपने भजन मार्ग में लगने वाले। तो असंभव नहीं है, जब भगवान मिल सकते हैं तो फिर सब कुछ हो सकता है, पर उसके लिए बच्चा बहुत तपस्या चाहिए। तो ऐसा सक्खू बाई जैसी, सक्खू बाई के लिए भगवान बंध गए, नहीं बंध गए, बंध करके स्वयं अपने को बंधन में डालकर सक्खू बाई बनकर उनके पति की सेवा, सक्खू बाई को मुक्त कर दिया। भगवान मुक्त बंधन में बंध गए और भक्त बंधा उसको मुक्त कर दिया। हमें लगता है तुम बच्चा थोड़ा सा ऐसी भावना करो कि भगवान कृपा करें, हमारे अनुकूल पत्नी दे दे, कोई भगवत भक्त पुत्र मिल जाए, ये बढ़िया है, ऐसा भाव करो।
और हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं तो फिर आशा मात्र से तो नहीं मिल जाएंगे। नहीं, एक आशा करो, आपको बाजार में जाके तो वहां आपको पैसा चाहिए। ऐसे ही संसार में सच्ची मानो ना, बिना भजन और पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं और खूब धन एकत्रित कर रहे हैं, तो उनका पुण्य नष्ट हो रहा है। और जिस दिन पुण्य नष्ट हो गया तो सब एकत्रित किया भस्म हो जाएगा, देख लेना सब नष्ट हो जाएगा पुण्य के कारण से। तो पुण्य का सारा खेल है। तो हमें लगता है खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, खूब नाम जप करो। और भगवान से यार हमें लगता है दुल्हन मानने की जगह भगवान को ना मांग ले यार, फिर मतलब घुमा के जाने से अच्छा है भगवान को मांग ले कि आप ही मिल जाओ। तो भगवान को हमें लगता है सीधे उन्हीं से मांग करनी चाहिए और उन्हीं से कहे कि आपको पता है कौन भक्त कैसा है, आप आ जाओ हमारे भावना की पूर्ति के लिए। भगवान बड़े कृपालु हैं। देखो देवकी वसुदेव जी के यहाँ, दशरथ कौशल्या जी के यहाँ भगवान ही तो पुत्र रूप में। उन्होंने कहा आप जैसा पुत्र मिले तो उन्होंने कहा हमारे जैसा तो हम ही है। भगवान सबको अद्वितीय बनाते हैं। भगवान की हम संतान है, कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा, दिमागी फर्क, रूप में फर्क, चाल में फर्क, सोच में कुछ ना अद्वितीय मिलेगा, सबको अद्वितीय मिलेगा, नहीं एक जैसा नहीं मिलेगा, कुछ एक जैसे मिलेंगे, कुछ वस्तु है लेकिन कुछ भेद होगा, क्योंकि भगवान अद्वितीय है तो उनकी रचना भी बड़ी अद्वितीय है, कुछ न कुछ फर्क रहेगा, सब एक जैसे नहीं, उनमें स्वभाव में अंतर होगा, उनकी चेष्टा में अंतर होगा। पर बहुत जोर का भाई प्रश्न रहा, अब याद रखेंगे कि सखू भाई जैसी पत्नी मिले और प्रेमानंद जैसा पुत्र मिले, पर पिता कैसा होना चाहिए इसमें? तीनों चीजें तुमने माता और पुत्र की बात की, पिता कैसे होना चाहिए? राधा नाम जप करो, डट के जप करो, डट के जप करो, कोई बात दुर्लभ नहीं। लेकिन मतलब अभी संसार में ये हो गया है प्रभु जी की मतलब एक माँ जो है मतलब कि चार बच्चों का पोषण कर सकती है, लेकिन चार बच्चे मिलके एक माँ को पोषण नहीं कर सकते, इसलिए हम चाहते कि थोड़ी भक्ता मिले बस, और कोई डिमांड नहीं। थोड़ी भक्ता मिले ये तो चल जाता, आपने बहुत ऊंची बात कह दी ना। भावना करे तो थोड़ा सम्माननीय भावना करे, क्या भगवान मैं जैसा नीच अधम हूं, मेरे अनुसार कोई मेरे मनोयोग के अनुसार पत्नी मिल जाए और भगवान कोई ऐसा राष्ट्रभक्त भगवत भक्त पुत्र के संयोग प्राप्त हो, तब तो बढ़िया बात। आपने बहुत हाई क्वालिटी की बात मांग कर, तो चाह बहुत ऊंची कर दी और माल पानी है नहीं आपके पास। तो ऐसा नहीं कि एक से एक तपस्विनी, एक से एक जितेंद्री साध्वी है, भगवान कृपा करे तो ऐसा भी संग मिल सकता है। पर बहुत सावधान होकर पहले खुद को तैयार करो ना, अच्छी आशा रखो, नाम जप करो, थोड़ा दंड बैठक मारो। करते हो कुछ व्यायाम? महाराज जी जब से सुना मतलब अभी फिलहाल 10-15 दिन से, तो मतलब कि सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद आसन में तांबे के पात्र में रखे, आज ऐसा बताया गया है। थोड़ा व्यायाम करते हो? अब शुरू किया? व्यायाम शुरू किया, 10-15 मिनट करता हूँ पहले। अच्छा अगर बता दुल्हन ना मिले तो क्या करोगे? तो फिर बाबा जी बनेंगे। अगर मांस मछली भी खाएगी तो नहीं करेंगे साथ। मांस मछली भी खाएगी, लहसुन प्याज भी खाएगी। वैसे आजकल जो दुल्हन तुम मांग रहे हो, भगवान ने ब्रह्मा जी कोई नई रचना करे हो तो हमें नहीं लगता लही तो बहुत ही कठिन लही। आजकल के भगवान कृपा करे, आजकल की बच्चियां बहुत और बच्चे भी बहुत ऐसे रजोगुणी, तुम्हारे जैसे सात्विक बच्चे तो बहुत कम मिलते हैं ना। तो भगवान से प्रार्थना करो, भजन करो, और अगर ब्याह ना हो तो बढ़िया बात सोचे हो, फिर भगवान के मार्ग में स्वयं चल दे, स्वयं प्रेमानंद बन जाए, प्रेमानंद में मगन हो जाए। इच्छा भी नहीं है ब्याह करने की, माता भी थोड़ी चाह है इसमें, इच्छा नहीं है इसकी, माता पिता चाह रहे हैं कि नहीं, माता चाह रहे हैं, ध्यान पिता का शरीर पूरा होगा। कै भाई हो? बड़ा कौन है? बड़े हैं, उनका ब्याह हो गया है? हाँ तो ठीक है, तुम आप इंतजार करो, सबको भाई जैसी कोई देवी मिले, और ना मिले तो फिर भजन के मार्ग में निकल पड़ना। पर अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, तुम सात्विक पुरुष हो,
थोड़ा सा अभी निर्णय करने में क्षमता कमजोर है, लेकिन आप ब्रह्मचर्य से आए, आज से पक्का बिल्कुल ठीक से रहना। और अगर ब्याह हो, स्वतः ब्रह्मचर्य होता है, हम कभी अपनी चेष्टा से नहीं करते। हाँ ठीक है, आप क्या होता है बच्चा, जब प्रारंभ में हम स्वयं चेष्टा से नष्ट करते हैं तो उसका अभ्यास बन जाता है, वो फिर स्वाभाविक नष्ट होने। अगर प्रारंभ से ब्रह्मचर्य, जब तक गृहस्थी में जाए तब तक ब्रह्म, तो जब गृहस्थी में जाएगा तो इसके द्वारा संतान भी बहुत बलिष्ठ और विवेकवान पैदा होगा। ब्रह्मचर्य बहुत अमोघ शक्ति है। ये समझो कि अगर आप 2 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, नाम जप करो, और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम, और शास्त्रीय पद्धति अमुक तिथि अमुक समय अमुक ऐसा, और फिर संयोग किया जाए, तो वो जो पुत्र हो 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य, फिर यहाँ तो गर्भस्थ शिशु हो जाने पर भी ब्रह्मचर्य नहीं रहते, तो इसीलिए वो आचरणविहीन संतानें होती। इसका बड़ा प्रयोग का जो शास्त्रीय पद्धतियाँ हैं इनका बड़ा बल है। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। वो ऐसे नहीं, जब संतान प्रकट करते थे तो बहुत वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तप करके तब फिर संतान प्रकट करते थे। अब जैसे गंदे आचरण, गंदा पेय पदार्थ पे, गंदी भावनाएं, तो वैसे संतानें होती। अगर वास्तविक अपने जीवन में अपनी संतान की उन्नति चाहे तो कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रह करके तब ऐसा, और जब गर्भ में बालक आ जाए, ये पता चल जाए गर्भ, तो कभी संयोग ना करे, फिर भगवान नाम कीर्तन खान पान साथ, तो उस बालक में गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे, और वो चाहे राष्ट्रभक्त बने चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। अब आजकल वासनाओं से सब खेल हो रहे हैं, तो इसीलिए संतानों में वो ओज तेज वो संयम नहीं पाया जाता। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा जीवन है, जिसको लोग समझ नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचर्य की हानि कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य को बहुत संभालना चाहिए, मोबाइल से के दोषों से बचना चाहिए, गंदे दोष करेंगे तो उससे हानि हो जाती है। ठीक है बच्चा, नाम जप करो, थोड़ा दंड बैठक मारो, अपने अच्छे भाव से रहो, और इंतजार करो जब ऐसा कोई संयोग बन जाए। 26 के हो, कई साल इंतजार करोगे? 36 तक देख लो भाई, अगर जिंदा रहे तो 36 के बाद फिर मिल लेना। ले आप ठीक है, आगे।